अबुधाबी में जश्न की तस्वीरों के बाद आपको किसानों के उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें हंगामा है, तोड़फोड़ है, पत्थरबाजी है, उपद्रव है, शोर शराबा है, पूरा युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल है। और इस प्रदर्शन से एक बार फिर आम जनता बेहाल है। राजधानी हाईजैक है। दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर आज हरियाणा पुलिस ने पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने उसे भेदने के लिए हथकंडा अपनाया हर तरीके का। बिग बॉल पर आइए हम तस्वीरों को समझाते हैं। पहली तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये पहली तस्वीर देखिए, शंभू बॉर्डर पर हंगामे की तस्वीर है, फ्लाईओवर पर तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। ये पहला वीडियो दोपहर 3 बजे के करीब का है। फ्लाईओवर पर सैकड़ों किसान, देखिए ये देखिए ऊपर की तरफ फ्लाईओवर के ऊपर सैकड़ों किसान जुटे हुए थे, इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग देखिए आपको नजर आएगी, उसके बाद देखिए उन बैरिकेड्स को उठाकर किस तरह से फेंकने की कोशिश की है। पुलिस दूसरी ओर खड़ी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने इस पार जाने के लिए फ्लाईओवर पर लगे सेफ्टी बैरियर्स को तोड़ दिया। ये सेफ्टी बैरियर्स तोड़ते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरें। इस फ्लाईओवर पर देर तक हंगामा चलता रहा और ये सिलसिला काफी देर तक रहा। इस बीच फ्लाईओवर के बाद अब आपको शंभू बॉर्डर पर सड़क का हाल दिखाते हैं किसानों को रोकने के लिए। देखिए मेरे पीछे उग्र किसानों का हुजूम आप देख रहे हैं। रोकने के लिए किसानों को यहाँ भी पुलिस ने भारी तैनाती की हुई थी, बहुत सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी, बैरिकेड्स लगाए हुए थे। मकसद यही था कि इन किसानों को यहीं रोका जाए, जिससे आम लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता रहा। उग्र किसानों का एक हुजूम आया, इन तस्वीरों में देखिए, ये हुजूम की तस्वीरें, और उनमें से एक सीमेंटेड बैरिकेड्स को जबरन धक्का देकर हटाने की कोशिश की, रास्ता खाली करने की कोशिश की गई, और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी जमकर हुई। हालांकि बैरिकेड्स हटाने का ये ट्रेलर भर था जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें अब तक ट्रैक्टर ट्रॉली या जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। और किसानों ने पहले तो खुद की ताकत से बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली तो फिर पंजाब से साथ लाए ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। और अब मैं एक बार फिर से बिग बॉल का रुख करूंगी, तीसरा वीडियो इसी पर आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए इस वक्त, ये देखिए ये तस्वीर क्या क्या हुआ, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं लाइन से कई ट्रैक्टर बीच सड़क पर खड़े हैं, उस पर किसान चढ़े हुए हैं। अगल बगल आप देखिए इन तस्वीरों में भारी भीड़ नजर आ रही है, लोग नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बढ़ाओ पूरी ताकत से बैरिकेड को तोड़ दो। बैरिकेड को तोड़ने की बात की जा रही है, इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से पहली लेयर को तोड़ा भी जा रहा है। ये देखिए ये हुजूम किसानों का। अब आप इस हंगामे से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा की ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लीजिए। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हलचल ज्यादा थी। यहाँ पंजाब से किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे, आंसू गैस से बचने के लिए चेहरे पर चश्मा लगाए हुए थे। कुछ किसान ड्राइवर्स ने चेहरे पर बाकायदा गैस मास्क को पहन रखा था और वो बेधड़क बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते गए। इसके बाद क्या हुआ ये दृश्य देखिए। ये बड़ा ट्रैक्टर लेकर देखिए एक बार फिर से, ये पंजाब की तरफ से जो युवा किसान है वो आगे बढ़े हैं और आगे बैरिकेड्स हैं। अब एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। हरियाणा पुलिस ने जो पहला बैरिकेड लगाया हुआ है वो सीमेंटेड बैरिकेड है, काफ़ी भारी भरकम, उसको खदेड़ने के लिए इसी तरह के भारी भरकम बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता है या फिर किसी जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से एक दो ट्रैक्टर नहीं बल्कि पूरी की पूरी कतार ही बैरिकेड्स तोड़ने में लगा दी गई। एक और ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ गए हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर सीमेंटेड जो भारी भरकम बैरिकेड लगाए गए हैं उनको उखाड़ फेंकने का ये प्रयास है। ट्रैक्टर की मदद लेने से पहले किसानों ने हाथ से भी बैरिकेड हटाने की कोशिश की थी। ये वीडियो उसी वक्त का है। उग्र किसानों का एक हुजूम आया और उनमें से एक सीमेंटेड बैरिकेड को जबरन धक्का देकर हटा दिया, रास्ता खाली करने की कोशिश की। संविधान से लिखा है, मैं प्रोटेस्ट कर सकता, जिसे गलत है संविधान मानता है। मेरी बेनती यह है कि पूरे देश के लोगों नु बीजेपी का पूरे तौर से बाइकाट करो कि यह तानाशाह पुतीन वर्गा जो पुतीन है डिक्टेटरशिप चला रहा, जे अज तुसी बचाना ना अपने देश नु बचा लो। सड़क के अलावा शंभू बॉर्डर के पास फ्लाईओवर पर भी सैकड़ों किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला।
इन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पुलिस दूसरी ओर खड़ी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने उस पार जाने के लिए फ्लाईओवर पर लगे सेफ्टी बैरियर्स को तोड़ दिया। इस फ्लाईओवर पर देर तक हंगामा चलता रहा। शंभू बॉर्डर से कुछ तस्वीरें हिंसा की भी सामने आई। खेतों में खड़े कई किसान पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते दिखे। इस दौरान आसपास के लोगों के खेतों को भी नुकसान हुआ। और किसानों ने कुछ जगह सड़क पर उन्हें रोकने के लिए लगाई गई कीले उखाड़ने की कोशिश की। जानकारी तो है कि वो अपने साथ कई महीनों का राशन लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी वो नहीं रुकेंगे। हालांकि आज के लिए अब प्रदर्शन पर विराम है। किसान संगठनों ने कहा है कि वो सुबह फिर से दिल्ली के लिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज के प्रदर्शन में उनके करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन किसानों के इस हंगामे में हरियाणा पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने उन्हें रोका तो झड़प शुरू हो गई। ड्रोन से आंसू गैस छोड़नी पड़ी। बावजूद इसके किसान नहीं माने, वो लगातार बैरिकेड हटाने की कोशिश करते रहे। कुछ जगह किसानों और पुलिस में भिड़ंत हुई, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स का एक जवान भी जख्मी हुआ, जिसे अंबाला के जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर थाने में ले जाया गया। प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़े इसके लिए कॉन्क्रीट का स्लैब तैयार किया गया था, कील बैरिकेड्स और कटीले तारों की घेराबंदी की गई। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती दिखी। पंजाब से किसान दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश में है, तो टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिखी। वहीं शाम को दिल्ली पुलिस की ओर से एक बयान भी जारी हुआ। स्पेशल सीपी कानून व्यवस्था ने कहा कि किसान प्रदर्शनकारी अगर अग्रेसिव है तो हम डबल अग्रेसिव रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो हम उन्हें खदेड़ेंगे। टीयर गैस चलाना है, लाठी चलानी है, इन्हें रोकना है। दिल्ली में अराजकता नहीं फैलने देंगे। वो जिस जोश के साथ आ रहे हैं उससे डबल जोश हमारा होगा, तभी हम उनको रोक पाएंगे। वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, हम पागल की तरह काम नहीं कर सकते। हमें लॉजिकली करना है, अपने आप को बचाना भी है और उनको फेल भी करना है आगे बढ़ने में। ये सारी चीजें जो हम लोग कमांडर्स के साथ डिस्कस की थी, इसकी जब भी वो आएंगी बार बार चलेगा। वो आगे बढ़ेंगे, हमें पीछे खदेड़ना है। और अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। शंभू बॉर्डर में आज की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यहां ज्यादा कंक्रीट ब्लॉक्स लगाकर हाईवे ब्लॉक किया है। कंक्रीट ब्लॉक्स और उनके बीच रॉड फेंसिंग कर उसको पक्का करने के लिए मिक्सर मशीन बुलाई गई, जो कंक्रीट भर कर अवरोध को और मजबूत बना देगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई जाएगी। सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी अभिजीत की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। भारी संख्या में यहां पर अर्धसैनिक बलों की दिल्ली पुलिस की तैनाती है। उसके अलावा अगर बैरिकेडिंग्स की बात करें तो कई लेयर की बैरिकेडिंग दोबारा यहां पर लगाई गई। बाद में जब मालूम चला कि शंभू बॉर्डर से उग्र होते हुए किसान वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर एक संघर्ष की स्थिति भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हो रही है। यहां पर जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। कड़ी इंतजाम यहां पर सुरक्षा के किए गए हैं। और आगे अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो अभी भी देर शाम भी यहां पर 7:30 बजे के आसपास आप देखें तो ये सुरक्षा बैरिकेडिंग जो है सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो यहां पर रखे जा रहे हैं। किसी भी किसान आंदोलन का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने केंद्र के साथ हरियाणा और पंजाब सरकार से इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी स्थिति में बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि किसान केवल आपके राज्य से गुजर रहे हैं तो आपने सीमा क्यों सील कर दी? आप परेशान क्यों हैं? क्या ये हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं? आप सड़कों को क्यों बंद कर रहे हैं? इस पर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि किसानों ने हथियारों के लिए ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया है, इसलिए हम कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ वो जनता को असुविधा में डाल रहे हैं। और सरकार ने कोर्ट में जो कहा वो तस्वीरों में दिखा। आम जनता इस प्रदर्शन से काफी परेशान दिखी। आपको थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो वीडियो देखेंगे वो दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर का है। यहाँ गाड़ियों का कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कार हो, बस हो या ट्रक, सब रेंग रहे हैं। वो घंटों से इसी तरह भारी ट्रैफिक में जाम में फंसे हैं। यह हाल तब है जब
अभी किसान दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। लोगों की इस परेशानी पर यह रिपोर्ट दिखाने से पहले कुछ बुनियादी सवाल। क्या आप लोगों के अधिकार किसी प्रदर्शनकारी के अधिकारों के मुकाबले छोटे हैं? क्या किसी प्रदर्शनकारी को यह तय करने की छूट दी जा सकती है कि वो आपके शहर को धरना प्रदर्शन की जंजीरों से बांध दे और आपको ट्रैफिक जाम में ही फंसे रहने का आदेश दे दे? सवाल टाइमिंग का भी है। बातचीत के बजाय उग्र आंदोलन करके क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है? अंबाला से लेकर गुरुग्राम दिल्ली तक आम लोगों को होने वाली परेशानी पर अब ये रिपोर्ट देखिए। जाम में फंसी एम्बुलेंस, जाम में फंसे स्कूल के बच्चे, सड़कों पर लोगों का बुरा हाल। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक जाम से लोग जूझते रहे। सिंघू बॉर्डर सील होने की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद तुरंत बैरिकेडिंग हटाकर दिल्ली प्रवेश का रास्ता दिया गया। सिंघू बॉर्डर सील होने के कारण अब एम्बुलेंस भी डाइवर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस है जिसे दिल्ली जाना था, लेकिन अब उसको डाइवर्ट करके यहाँ से भेजा जा रहा है क्योंकि बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन एम्बुलेंस के लिए अब रास्ता देने की कोशिश होगी क्योंकि यहाँ पर सीमेंटेड ब्लॉक्स जो रखे जा रहे हैं उसके कारण रास्ते पर क्रेन लगी हुई है। एम्बुलेंस फंसने की एक तस्वीर दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से भी आई। उस वक्त TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी मौके पर ही मौजूद थी। NS24 से किस तरह से जरा सी दूरी है और एम्बुलेंस कैसे चल रही, धीरे धीरे देखिए रेंगते हुए, जो इसमें बीमार होगा उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी और देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की वजह से सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले भी घंटों तक फंसे रहे। इस रास्ते से दिल्ली आने में 1.5 से 2 घंटे तक लग गए। सख्ती दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर भी है, इसलिए वहां भी गाड़ियां रेंगती दिखी। भारी ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों ने हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा से अपनी परेशानी बताई। दिक्कत बहुत सर, दिल्ली से आया हूं, बस वहीं उतार दिया, आने जाने में बड़ी परेशानी है। अभी 1.25 घंटा और जाना पड़ेगा अंदर। जी आधा घंटा हो चुका है, गाड़ी तस से मस नहीं हुई अभी तक। यही नहीं पता है कि हम काम पे जा रहे हैं, इफ वी विल बी एबल टू कम बैक टुनाइट और नॉट। इलेक्शन आते हैं और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। गुरुग्राम जहां हजारों लोग दफ्तर में काम करने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, वो जाम में फंसने को मजबूर हो गए। दिल्ली से नोएडा आने वाले चिल्ला बॉर्डर पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। समस्या तो है भैया, ट्रैफिक जाम है तो आंदोलन होंगे तो जाम होंगे होंगे। परेशानी क्या है, सफर में हम आ रहे हैं, परेशानी तो हमको हो रही है यहाँ पे। एयरपोर्ट आने के लिए लोगों से मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की गई। एहतियात के तौर पर केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए। किसान संगठनों का आरोप है कि परेशानी उनकी वजह से नहीं बल्कि सरकार की वजह से हो रही है। अब MSP को लेकर मामला उलझा है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसका रास्ता बातचीत से निकल सकता है। केंद्र सरकार का भी यही कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। किसानों की समस्या सुलझाने के लिए पहले भी प्रयास हुए हैं, आज भी आगे भी करते रहेंगे। सुनिए हमारे सहयोगी अमोद राय से इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। कांग्रेस MSP की बात करती है और कहती है कि मोदी सरकार MSP बंद कर देंगे। आप याद करिए आज से 2 साल पहले भी क्या कहते थे। लेकिन मैं देश को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और TV9 के दर्शक जान लें, UPA की सरकार में 10 साल में 2004 से 14 तक गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इन चारों का कुल मिलाकर खरीद की गई 5.5 लाख करोड़। 5.5 लाख करोड़ MSP में दिया गया। मोदी सरकार ने इन्हीं चार के लिए 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। मोदी सरकार का दावा है कि किसानों की परेशानियां कम करने के लिए 10 साल के कार्यकाल में कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गईं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि उनके लिए चार बड़ी जातियां हैं जिनमें से एक किसान है। पीएम मोदी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य तय किया है उसमें किसानों के उत्थान को सबसे ऊपर रखा गया है। देश का किसान सम्मान से सर उठाकर जी सके, इसके लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की मदद राशि मिलती है। अब तक करीब 2,81,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। स्कीम से करीब 11.8 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी किसानों के हित में चलाई जा रही स्कीम में से एक है। 23.38 लाख किसानों को इससे फायदा मिला है। किसान हर महीने 55 से 200 रुपए जमा करता है जिससे उसे 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में जानकारी दी है कि मोदी सरकार के दौरान किसानों के बजट में कितनी वृद्धि हुई है।
यूपीए के कार्यकाल में बजट कितना था और एनडीए के कार्यकाल में बजट कितना है। उनके कार्यकाल में 6 से 14 तक यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के उसका बजट 1,48,00,00,000 के लगभग था। एनडीए में वो 6,21,000,00,00,000 हो गया। 13-14 में उसका बजट 27,662,00,00,000 था और 2022-23 में 1,24,000,00,00,000। और उसमें से जो लगभग 70% सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाई जा रही है। बजट राशि बढ़ाने के साथ फसलों के नुकसान से किसानों का बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत 2016-2017 से अब तक करीब 1,50,000,00,000 की राशि क्लेम के तौर पर दी जा चुकी है। 4 करोड़ किसानों को इससे फायदा हो रहा है। 22 फसलों पर किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। बीते 10 सालों में सरकार ने 18,00,00,000 रुपए की गेहूं और धान खरीद की है। देश में 1,75,000 किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं, जहां किसानों को उर्वरक, बीज और कीटनाशक की सुविधा मिल रही है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के लिए 1,261 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। इसके अलावा और भी कई किसान कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं।